वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के अवसर पर रविवार को एमजीएम नेत्र संस्थान में ग्लूकोमा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। एमजीएम नेत्र संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर दीपशिखा अग्रवाल ने बताया कि अंधत्व का तीसरा बड़ा कारण ग्लूकोमा या कांस्याबिंद है। कांस्याबिंद में एक बार आंखों की रोशनी जाने पर वापस नहीं आती है। लगभग 1.2 मिलियन लोग ग्लूकोमा की वजह से अंधत्व में चले जाते हैं। इसका मुख्य कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। जब तक बिल्कुल दिखना बंद नहीं हो जाता है, लोग इलाज के लिए नहीं जाते हैं और उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में 8 से 16 मार्च तक ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है। एमजीएम नेत्र संस्थान इस वीक में एक कार्यशाला का आयोजन करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के करीब 50 नेत्र चिकित्सकों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें ग्लूकोमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम साहू, डॉक्टर देवाशीष दास और डॉक्टर शुभांगी शर्मा की ओर से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे ग्लूकोमा की जांच करें, अलग अलग मशीनें हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए और जल्द से जल्द ग्लूकोमा को डायग्नोसिस किया जाए। समय पर इलाज होने पर ग्लूकोमा से होने वाले नुकसान से मरीजों को बचाया जा सकता है और उनको अंधत्व का शिकार होने से बचाया जा सकता है। यही वजह है कि एमजीएम नेत्र संस्थान ग्लूकोमा की जागरूकता को लेकर काफी महत्व देता है। पूरे विश्व में 8 मार्च से 16 मार्च तक ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है, जिससे कि ग्लूकोमा के विषय में बहुत जागरूकता है, क्योंकि ग्लूकोमा एक ऐसी डिजीज है जो एक बार यदि हमारी आंख को के नस को खराब करती है तो वो दोबारा नहीं बन सकती है। तो इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों से ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आए हुए हैं और हमारे ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हमें ग्लूकोमा की डायग्नोसिस जितना जल्दी से जल्दी कर सकते हैं वो की जाना चाहिए। हमने वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के अवेयरनेस के लिए पहले तो एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए रहता है। तो उसमें हम उनको ग्लूकोमा डायग्नोसिस के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट स्कैन्स होते हैं, उनको एक्सप्लेन करेंगे। क्या जानकारी साझा होगी? उनको हमने जो ग्लूकोमा के कॉमन टेस्ट होते हैं, जैसे पेरिबिट्री टेस्ट रहता है, आरएनएफ वेलोसिटी रहता है, उसके बारे में, मतलब वो स्कैन्स को कैसे रीड करना है और किन पेशेंट्स में करना है, किस तरीके से होना चाहिए, और आंखों के प्रेशर का मेजरमेंट क्या तरीके से करना चाहिए, आंखों के अंदर की जांच ये कैसे करनी चाहिए, वो सब हम उनको आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। 40 साल के बाद जैसे ही हम अपने आप बीपी शुगर की जांच कर रहे हैं, वैसा ही अगर हम ग्लूकोमा के प्रति भी ध्यान दें तो ग्लूकोमा से हम लड़ सकते हैं, ग्लूकोमा का नाम के वजह से होने वाली अंधत्व को रोक सकते हैं। जीने के लिए जैसे लाइफ जरूरत है, अच्छे जिंदगी के लिए अच्छा नजर भी उतना जरूरी है। हमारा दुनिया जितना सुंदर है देखने के लिए भी हमें अपना आंखों का उतना ही ख्याल रखना जरूरी है।